बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए बिहार के सभी कोचिंग संस्थानों की जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश सभी जिलाधिकारी और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को जारी किया गया है। दिल्ली के कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना में जांच का ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें खानसर के कोचिंग सेंटर पर भी ताला जड़ दिया गया है। ये कोचिंग सेंटर मानकों के अनुरूप नहीं था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया गया। सदर SDM ने मंगलवार को निरीक्षण किया था, जिसकी जांच रिपोर्ट में कई खामियां मिली। इसके बाद कोचिंग के बाहर बुधवार को नोटिस लगाकर इसे बंद कर दिया गया। दरअसल दिल्ली के कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी में 3 छात्रों की मौत की घटना ने सभी को झकझोर दिया है। अब प्रशासन अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार के पटना में कोचिंग संस्थानों पर SDO टीम ने मंगलवार को छापा मारा था। इस कार्रवाई के बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार के खानसर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में ताला लग गया है। राजधानी पटना के बोरिंग रोड कैंपस में ताला लगा है। पटना में कोचिंग संस्थानों की जांच मंगलवार से ही की जा रही है। जांच के क्रम में खानसर की कोचिंग में भी खामी पाई गई। पटना के SDM श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर ने टीम के साथ कई कोचिंग संस्थानों का जायजा लिया। वे खानसर के GS रिसर्च सेंटर पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार पहले तो खानसर के कर्मचारियों ने उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन बाद में पूरे कोचिंग सेंटर की जांच की गई। अब तक लगभग 30 कोचिंग सेंटर की जांच की गई है, जिनमें कई कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। प्रशासन की तरफ से कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम का होना अनिवार्य बताया गया है, जो ज्यादातर संस्थाओं के पास नहीं मिला। वहीं देखने में आया कि जैसे ही खानसर की कोचिंग पर टीम पहुंची और जांच शुरू की, तो खानसर और अधिकारियों के बीच बहसबाजी भी हो गई। SDM श्रीकांत ने बताया कि आज हमने पटना के नया टोला से लेकर भिकना पहाड़ी तक तकरीबन 25 से 30 कोचिंग संस्थानों की जांच की है। खान की GS क्लासेस और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने अलग अलग मापदंडों के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के लिए समय मांगा है। इन्हें कल तक इसे जमा कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ये पाया गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में कोचिंग संस्थानों का संचालन हो रहा है। कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। कोचिंग में फायर उपकरण तो है, लेकिन फायर NOC नहीं है। हम लोग इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ भिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग GS क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान GS क्लासेस है, उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में ला के जमा कर देंगे। तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? क्या कमियां मिला सर? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है, तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन एंट्री एग्जिट फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर NOC होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी। बता दें कि राजधानी पटना में SDO की टीम मंगलवार को मछुआ टोली खंजाची रोड स्थित कई कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी के लिए पहुंची थी। ये इलाका कोचिंग का हब माना जाता है। बताया जा रहा है कि SDO की टीम दिल्ली की तर्ज पर कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था की जांच के लिए पहुंची थी। इस छापेमारी की कार्रवाई में SDO की टीम को क्या हाथ लगा है, इसका खुलासा नहीं हुआ। दिल्ली में कोचिंग छात्रों की मौत के बाद पटना जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हरकत में आ गया है और जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी का गठन किया था, जांच कमेटी अब जांच में जुट गई है। इस वक्त हम राजधानी पटना के गोपाल मार्केट में हैं और इसके आसपास में भिकना पहाड़ी एरिया, मुसल्लहपुर एरिया, तमाम जगहों पर लगातार जो जांच कमेटी है उसकी दबिश देखने को मिल रही है और SDM सदर खुद देख सकते हैं, श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जो है उनके नेतृत्व में जांच चल रही है और सदर DSP भी हैं साथ में। इसके साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अग्निशमन पदाधिकारी, तमाम जो जांच कमेटी के सदस्य हैं, सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, यानी DM चंद्रशेखर सिंह ने कल ही जांच कमेटी बनाई थी, जिसके बाद देख सकते हैं कि असर शुरू हो गया और राजधानी पटना में जिस प्रकार से कोचिंग संचालन किए जा रहे हैं, अब पूरी चीजों को बारीकी से जिला प्रशासन की टीम देख रही है कि आखिर क्या व्यवस्था है, सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, लाइटिंग का इंतजाम क्या है, बेसमेंट की स्थिति क्या है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। फायर सेफ्टी जो किट है वो है कि नहीं, और देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं खुद बारीकी से चीजों को देख रहे हैं। सदर SDM जो है सभी कोचिंग में प्रवेश करके क्लासरूम से लेकर लाइब्रेरी और जो संचालक का चैम्बर है वहां तक प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर
जो विधि व्यवस्था है यहाँ की कैसी है, और कुल मिलाकर ये कहें कि जिला प्रशासन की पूरी नजर है कि आखिर कोचिंग संचालन जो मानक है वो पूरा कर रहा है कि नहीं कोचिंग संचालक, तो उसको लेकर जो है ये कहीं ना कहीं जांच कमेटी अभी जांच में जुटी हुई है। इसके बाद 14 दिनों का समय दिया गया है कि जांच कमेटी 14 दिनों में जो है डीएम को रिपोर्ट करेगी। और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा दें और एसडीएम से हम बातचीत भी करेंगे। सदर एसडीएम है, क्या लग रहा है, आप लोगों ने एक्शन शुरू कर दिया है, किस प्रकार की दिख रही है तस्वीरें? इसमें जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसके आलोक में हम लोग जितने भी कोचिंग संस्थान है उनका जांच कर रहे हैं। तो उसमें कई बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसे कि मोस्टली तो इसमें स्टूडेंट की सेफ्टी को हम लोग ध्यान रखते हुए जो भी यहाँ फैसिलिटीज दी जा रही है, लाइट की व्यवस्था, एंट्री एग्जिट की व्यवस्था और फायर बिल्डिंग बायलॉज का पालन किया है कि नहीं किया है, पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था ये है कि नहीं, आकस्मिकता के सिचुएशन में निपटाने के क्या इनकी व्यवस्था है, उसमें हम लोग उसी बिंदु पर जांच कर रहे हैं। प्राइमा फेसी चूंकि आपने विजिट किया है अभी, ऐसी तस्वीरें कुछ दिख रही होगी आपको जिसमें कुछ ऑब्जेक्शन होगा? तो इसमें तो जो जो हम लोगों को अभी निरीक्षण के क्रम में ऑब्जेक्शन मिलते हैं या कमियां मिल रही है हम लोग उसको विहित प्रपत्र में डीएम सर को उसमें आज रिपोर्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल, ये चैलेंज है अपने आप में और हम लोग हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, विद्यार्थियों की क्या सुरक्षा का पुख्ता अंजाम हो सकता है, कोचिंग संस्थान के द्वारा एंट्री एग्जिट सेफ्टी, पानी पीने का व्यवस्था, वेंटिलेशन इत्यादि का व्यवस्था इसमें किया गया है कि नहीं, सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। या गैर रजिस्टर्ड कोचिंग है उनकी भी जानकारी ली जा रही है, एंट्री से लेकर एग्जिट के साथ साथ जो फायर सेफ्टी है या जो बेसमेंट की स्थिति है, क्लासरूम की स्थिति है, तमाम चीजों की जानकारी जिला प्रशासन की टीम ले रही है। और पटना जिले में अलग अलग जो अनुमंडल हैं वहां पर इसी प्रकार से जिलाधिकारी के निर्देश पर तमाम जो अधिकारी हैं वो एक तरह से जांच में जुट गए हैं और जो भी कमियां पाई जाएगी ये सीधे रिपोर्ट तैयार किए जाएंगे और रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी, जिसके बाद एक्शन की भी तैयारी होगी। यानी ये देख सकते हैं कि जो गैलरी है इसमें कई कोचिंग संचालित किए जा रहे हैं, इसमें क्या कमी है और मानक को कितने कोचिंग पूरा कर रहा है, ये तमाम चीजों को भी फिलहाल देखा जा रहा है। क्लासरूम से लेकर जो बालकनी है, निकासी है, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। जाहिर है जिस प्रकार से दिल्ली में बेसमेंट में कोचिंग छात्रों की मौत हुई है, दर्दनाक हादसे के बाद, हृदय विदारक घटना के बाद पटना में भी पूरी तरह से एक्शन शुरू हो गया। हालांकि जांच रिपोर्ट क्या कहती है और जांच रिपोर्ट के बाद क्या एक्शन लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।